भाजपा ने इस बार देश में लोकसभा चुनाव एक भ्रमित करने वाले नारे से शुरुआत की और वो नारा था अब की बार 400 पार। अब की बार। और इस नारे को लेकर आग में घी तब डला जब बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने ये कहा कि इस बार बीजेपी को 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें देश का संविधान बदलना है। लेकिन भारत की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनके किसी भी नारे का असर उन पे नहीं चला और बीजेपी को 240 सीटों के ऊपर रोककर एक ना बोलने वाला सबक दे दिया गया। आखिर ऐसी क्या कमियां रही? अब अगर बात की जाए फिलहाल की कंडीशन की, जिस प्रकार मोदी सरकार हमेशा अकेले शासन चलाती थी लेकिन इस बार उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है जिनमें उनके दो कंधे सहारा बने हुए हैं। पहले सहारे की बात कर ली जाए तो वो नीतीश कुमार, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। लेकिन आखिर देखना ये होगा कि इस बार ये जो दो कंधे हैं बीजेपी के जिनके ऊपर चलकर अभी तक बीजेपी यहाँ तक पहुंच पाई है, जैसा आपने देख लिया होगा उन्होंने जो पद संभाल लिया है, अपने जो तमाम कार्य हैं वो शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन ये चल कितने दिन पाएगा? आखिर बीजेपी की कमियां भी रही तो क्या रही इस बार? तो समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा जो विश्लेषण है, या यूं कहें कि विश्लेषण का जो निचोड़ है, वो आपको इस आधार पर बताएंगे कि जिसको देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि आखिर बीजेपी को 240 सीटें मिलने के पीछे देश की जनता का क्या विचार दिखा। देखिए दर्शकों, जैसे सचिन जी ने आपको बताया कि आज का वीडियो मुख्य रूप से इस आधार पर होने वाला है, जो आरएसएस लगातार कमियां आपको निकाल रहा है बीजेपी में या लगातार हंकारी बता रहा है, उसके बाद ये बीजेपी सरकार कितना लंबा चलेगी या नहीं चलेगी इस पर पूरी तरीके से हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ी हार मिली और ये सरकार पूरे 5 साल नहीं कर पाएगी, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। पहला पॉइंट आपके निकल कर आता है कि पूरा चुनाव आपके मोदी की गारंटी पर लड़ा गया और ये मोदी की गारंटी है। आपने देखा होगा कि लगातार आपके हर भाषण में लगातार ये कहा जा रहा था कि ये मोदी की गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी ही आपके मैनिफेस्टो के प्रमुख चेहरा थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि मोदी जी, मोदी सरकार, मोदी सब कुछ, हर जगह मोदी ही मोदी रहा है इस बार चुनाव में बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो। जिसके बाद ये साफ साफ हो जाता है कि एंकर की इस बार कोई भी कमी नहीं थी जो लगातार आपके आरएसएस दावा कर रहा है। तो अब एंकर को जनता ने सीधा सीधा सबक सिखाया और सबक सिखाते हुए बीजेपी को 240 पर रोक दिया। तो पहला फैक्टर तो यही निकल कर आ रहा है कि जो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि एंकर को कभी भी भारत की जनता पसंद नहीं करती आई है, चाहे वो पहले भी इतिहास को देख लिया जाए दर्शकों। दूसरा पॉइंट की अगर तरफ बढ़े तो आपको सचिन जी बताएंगे कि दूसरा पॉइंट क्या रहा इस बार चुनाव में बीजेपी का इतना नीचे आने का। तो दर्शकों, दूसरा जो फैक्टर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि भारत ने कभी भी तानाशाही का अंगीकार नहीं किया। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपके साथ कर दूं कि जिस प्रकार इन चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक छवि क्रिएट की गई, वो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर रहे जिसमें आपके विपक्ष ने भी एक अहम भूमिका निभाई, साथ ही बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया द्वारा एक प्रधानमंत्री जी की एक डिक्टेटरशिप वाली छवि जो है जनता के सामने प्रस्तुत की गई और बताया गया कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, यानी ये कहे कि जो वो कहते हैं वही सही है, यानी ये वाली फीलिंग उनके तरफ रखी गई। अगर थोड़ा सा वक्त को पीछे देखा जाए, यानी इतिहास में चला जाए, तो इतिहास में इंदिरा गांधी जी की भी छवि कुछ इसी प्रकार से उस समय बन गई थी जो आपको 1977 में हुए चुनाव में देखने को भी मिली। कांग्रेस की सीट तो छोड़िए, एक छोटे से प्रत्याशी से इंदिरा गांधी जी खुद की सीट भी हार गई। यानी आप समझ सकते हो कि जो तानाशाही एक शब्द होता है उससे हिंदुस्तान की जनता जो है इतना नफरत करती है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, ना विपक्ष के पास है ना पक्ष के पास, और वही कुछ इस बार हमें देखने को मिला। और ये छवि जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक प्रकार से जहर घोलने का काम किया। तो ये वक्त गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान की जनता पर तानाशाही की गई, जनता ने उसे ठुकरा दिया और वही हमें देखने को मिला। तो दर्शकों, ये अब तक दो फैक्टर हो चुके हैं, बाकी के बचे हुए 3 फैक्टर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के हार के कारण के लिए। अगले जो फैक्टर है वो सर आपको बताएंगे कि तीसरा फैक्टर क्या है जो बीजेपी को हार की तरफ ले जाता है। तीसरा पॉइंट दर्शकों निकल कर आता है आरएसएस और बीजेपी में अनबन।
आरएसएस और बीजेपी में लगातार आप बयानबाजी अभी हाल ही में देख रहे होंगे। विभिन्न आपके आरएसएस के प्रमुख हों, चाहे मोहन भागवत जी या फिर आरएसएस के बड़े नेता, लगातार बीजेपी को या बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं उनको अहंकारी बता रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका इशारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ भी है और इनको देखकर बीजेपी और आरएसएस में लगातार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जब जब इतिहास में देखा गया है कि बीजेपी और आरएसएस में तनाव हुआ है तो बीजेपी की सरकार आपके कमजोर हो गई है। तो आरएसएस और बीजेपी में ये भी कहा जा रहा है कि ये इतिहास का पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह साफ साफ यही बताई गई है कि इस बार चुनाव में लगातार बीजेपी के जो मनचाहे फैसले हैं उससे आरएसएस नाकुश है। इसका एक उदाहरण आपके महाराष्ट्र से भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत था और आरएसएस चाहता था कि अजीत पवार को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करे और पूर्ण बहुमत होने के बाद भी बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति करी और अजीत पवार को खुद की तरफ लेकर आए और जिसके बाद साफ साफ देखने को मिला कि इस चुनाव में बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी। यानी कि आरएसएस बेहद नाखुश इसलिए नहीं है कि बीजेपी को इस बार 240 सीटें मिली, आरएसएस इसलिए नाखुश है बीजेपी ने इतने गलत फैसले लिए जिसकी वजह से आपके बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है देश में। और आरएसएस को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद आपके बीजेपी को उसने मजबूत किया है और इनकी मेहनत सारी मेहनत ये जाया कर दें इस तरीके से और उनकी पार्टी या बीजेपी पार्टी जो है पूरे देश में कमजोर हो जाए, क्योंकि आरएसएस ये मानता है कि जो भी जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी ने करी उसकी वजह से उनको गंदे परिणाम देखने को इस बार मिले। तो इसके बाद बेहद संभावना बन जाती है कि ये सरकार आपके गिर सकती है। अब इसमें ये ही फैक्टर नहीं हो सकता कि आपके इसके बाद गिरने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आए, आरएसएस ये भी कर सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए आपके कोई और उम्मीदवार आपको बीजेपी या एनडीए से वो दे सकते हैं। चौथे पॉइंट की अगर तरफ बढ़े तो हमने आपको तीन ऐसे पॉइंट बताए जिसमें इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार जल्दी गिर सकती है, लेकिन सरकार आपके चलेगी और आपके दिक्कतों के साथ चलेगी वो हम आपको इस बार बताने जा रहे हैं। बाकी के दो पॉइंट, पहला पॉइंट आता है विपक्ष आपके इस बार बेहद अधिक मजबूत है, तो इसके बारे में आपको सचिन जी बताएंगे। चौथा जो पॉइंट है दर्शकों वो है इस बार चुनाव में विपक्ष का मजबूत होना, और ये जो फैक्टर है ये बहुत महत्व रखता है क्योंकि इस बार देश की जनता ने पक्ष के विरुद्ध लड़ने के लिए एक हथियार तैयार किया और वो हथियार था विपक्ष, क्योंकि इस बार देश की जनता को ये लग रहा था कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा तो वो उनके लिए सवाल उठा सकता है संसद में। और सवाल उठाने का भी मतलब ये है क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी का कार्यकाल रहा 10 साल का, उन्होंने बहुत सारे बिल और बहुत सारे ऐसी चीजें जो गैर कानूनी थी वो भी पास करवाए किसी भी तरीके से, कुछ अध्यादेश के जरिए या फिर कुछ बिल लाकर, लेकिन वहां पर विपक्ष को कुछ समझा नहीं जा रहा था क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत न होने के कारण वो अपने सवाल रख ही नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार जनता ने इनके विपरीत जो है वो सोचने का काम किया और सोचे कि अगर इस सरकार को किसी तरह काबू में लाना है तो विपक्ष को मजबूत करना होगा, और एक ये फैक्टर भी इस बार देखने को मिला और जनता का जादू जो है वो चला और विपक्ष को इतनी सीटें मिली। यानी कि अगर इस पॉइंट को आसान भाषा में हम दर्शकों समझें तो साफ साफ ये है कि विपक्ष की लगातार सुनी ही नहीं जा रही थी क्योंकि उनके पास एक ऐसा सम्मानित आंकड़ा नहीं था, लेकिन इस बार सम्मानित आंकड़ा है और वो सम्मानित आंकड़ा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को सरकार चलाने में कठिनाई उपलब्ध कराएगा, क्योंकि जब जब आपके प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि वो अपने आधार पर कोई भी कानून या बिल पास करवा दे तो ऐसी संभावना बेहद कम हो जाएगी क्योंकि विपक्ष की सहायता भी उनको जरूरत होगी कोई भी बिल पास कराने में। और विपक्ष अगर पुरजोर तरीके से आपके विरोध करेगा या फिर जैसे जनता ने सोचा है कि विपक्ष उनकी आवाज उठाएगा तो हो सकता है कि इस सरकार चलाने में बेहद अधिक आपके कठिनाइयां आपको देखने को मिले। अगर हम पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ें दर्शकों तो वो इस वीडियो का अंतिम पॉइंट भी है कि चुनाव परिणामों से नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी की एक अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जैसे दर्शकों आपने देखा होगा इस बार के जो परिणाम निकल कर आए उसके बाद बीजेपी बैसाखियों पर आगे खड़ी गई हो गई। एक तरफ आपके रिमोट है आंध्र प्रदेश में बैठे चंद्रबाबू नायडू जी के पास, एक तरफ रिमोट है आपके पटना में बैठे नीतीश बाबू के पास। यानी कि बीजेपी को दो बैसाखियों की जरूरत है इस बार पूरा 5 साल सरकार चलाने के लिए। लेकिन जैसे अगर प्रधानमंत्री जी के इतिहास को देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी खुद के दम पर सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं,
वो सीधे अपने ही कड़े फैसले लेते हैं और जिसके बाद बेहद अधिक संभावना ये लगती है कि वो इस बार बैसाखी सरकार को चलाने में उनको बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और वो उनकी जिस प्रकार की कार्यशैली है कि वो एक तरफा फैसले लेते हैं और वो इस बार भी वो लेने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद बेहद अधिक संभावना बन जाएंगी कि सरकार गिर सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि यूसीसी हो या फिर आपके अग्निवीर का मुद्दा हो, आपके जेडीयू भी उसका विरोध करते हुए दिख रहा है। अगर ऐसे मुद्दे फिर से आपकी सरकार लेकर आती है तो हो सकता है कि ये सरकार गिरने की बेहद अधिक संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमने आपको ये पूरा विश्लेषण के आधार पर 5 पॉइंट पे ये समझाने की कोशिश की कि कैसे आपके आरएसएस की जो खामियां निकालनी शुरू करी हैं उसके बाद बीजेपी की सरकार आपके गिर सकती है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार गिर सकती है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दर्शकों, ये थे 5 पॉइंट जैसे सर ने भी आपको बताया, जिसमें से 3 पॉइंट हमने आपको बताए कि बीजेपी को कम सीटें मिलने का क्या कारण रहा। साथ 2 पॉइंट आपको ऐसे भी बताए जिनमें हमने आपको बताया कि 5 साल सरकार क्यों नहीं चल सकती। अब इन फैक्टरों में से कौन सा फैक्टर आपको सही लगता है वो आपकी राय है, आप हमें कमेंट के जरिए पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो को अगर यहां तक देख ली है तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर दो। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जो जानकारी है वो आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसको अपने परिवारजनों और अपने रिश्तेदारों के पास साझा करेंगे ताकि उनको ये पता लग सके कि बीजेपी इस बार क्यों हारी देश में। और दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसी के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। फिलहाल इस वीडियो में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल लेते हैं हम आपसे विदा, मुलाकात होगी ऐसे ही राजनीतिक से जुड़ी सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।